टेबल पर इन डिब्बों में रखे हैं सोने और चांदी के गहने और सामने जमीन पर बैठे हैं वो शातिर सेंधमार जिनके कब्जे से इन गहनों को बरामद किया गया है। जी हां, साउथ रोहनी इलाके में शनिवार को घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी के गहने होने की वारदात को 24 घंटे से भी कम वक्त में पुलिस ने सुलझा लिया है और दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी के पूरे गहने भी बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान प्रदीप उर्फ पांडा और सोनू के रूप में हुई है। पकड़े गए दोनों आरोपी स्मैक पीने के आदी हैं और उसी के लिए इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। डीसीपी प्रणव तयाल के मुताबिक बीते शनिवार को साउथ रोहनी पुलिस को फ्लैट नंबर 166 पॉकेट 6 सेक्टर 2 रोहनी में चोरी होने की पीसीआर की कॉल मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने बताया कि दोपहर 2 बजे वह अपने परिवार के साथ घर का ताला लगाकर बाहर चला गया था। शाम करीब 6:30 बजे जब वह वापस आया तो देखा कि उनके मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अलमारी भी खुली पड़ी थी जिसमें रखे सोने चांदी के गहने व कीमती सभी चीजें गायब थी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस टीम ने वारदात के रूट पर लगे 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जिससे आरोपियों की पहचान हुई और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज़ नवदीप टुडे पर हर रोज़।